वेलकम फ्रेंड्स, इस सेशन में हम रेशो एनालिसिस इस टॉपिक पे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड पुणे एज ऑन 31 मार्च 2022। हमें बैलेंस शीट दिया है एंड क्वेश्चन आगे कहता है, कैलकुलेट करंट रेशो, लिक्विड रेशो एंड डेट टू इक्विटी रेशो। तो हमें ये तीन रेशो यहाँ पे कैलकुलेट करने। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको रेशो एनालिसिस इस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको ये जो रेशोज है, इन रेशोज के फॉर्मुलेज लर्न करने होंगे। आपके ये फॉर्मुलेज बाय हार्ट होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अभी करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए करंट असेट्स कैलकुलेट करने, उसके बाद करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करने, और हम करंट रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अभी पहले करंट असेट्स क्या होते हैं। सी, करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ऐसे इसका मीनिंग या डेफिनेशन दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, असेट्स जो होते हैं, असेट्स में एक होते हैं फिक्स असेट्स लाइक बिल्डिंग्स, फर्नीचर। अभी इस क्वेश्चन में देखिए, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, ये सारे फिक्स असेट्स कहलाते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है करंट असेट्स की। जैसे मैंने अभी बताया कि करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें ही हम करंट असेट्स कहते हैं। तो करंट असेट्स में स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारे आइटम्स आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ये जो है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये सारे आइटम्स करंट असेट्स में आएंगे। यानी हमें इन सारे आइटम्स की एडिशन करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, करंट असेट्स इज इक्वल टू 2,50,000, 1,50,000, 70,000, 10,000 एंड 40,000। तो करंट असेट्स का नंबर यहाँ पे आएगा 5,20,000। ठीक है, नाउ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का डेफिनेशन भी सिमिलर है। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच नीड टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स के अंदर जो पेबल है लायबिलिटीज, वो करंट लायबिलिटीज कहलाती। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज में आएंगे। तो यहाँ अगर हमें करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करने हैं, तो ये दो लायबिलिटीज है, इनकी टोटल करनी होगी 1,50,000 एंड 75,000। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज की अमाउंट आ गई 2,25,000। ठीक है, और सिंपली हमें इसे फॉर्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए, करंट रेशियो इज इक्वल टू 5,20,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000। तो यहाँ करंट रेशो आएगा 2.31:1। ओके, सो देयरफॉर करंट रेशो इज इक्वल टू 2.31:1। तो इस तरह से हम रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसके लिए, जैसे मैंने इनिशियली बताया, कि आपको इन रेशोज के फॉर्मूलाज अच्छी तरह से याद करने होंगे। और अभी जो करंट असेट्स हमने कैलकुलेट किए ना, तो मैंने आपको बताया कि दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये भी एक इस तरह से भी आप लॉजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या सिंपली कि करंट असेट्स में क्या क्या आता है, ये भी आप एक तरह से लर्न करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, करंट असेट्स दिए गए हैं। करंट असेट्स में क्या आएगा? स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारे असेट्स करंट असेट्स इस टर्म के अंडर आते हैं। इसमें एक पॉइंट है, देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस कैश में तो कन्वर्ट नहीं होगा ना, बट ये पेड इन एडवांस है, इसीलिए करंट असेट में आता है। तो ये भी एक अनदर वे है कि करंट असेट्स आप कैसे इसे मेमोराइज करें, कैसे याद करें कि कौन से आइटम्स आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग सारे आइटम्स कवर किए हैं जो करंट असेट्स में आते हैं। ओके, उसके बाद करंट लायबिलिटीज। अभी करंट लायबिलिटीज में देखिए, पहले क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सारे आइटम्स करंट लायबिलिटीज में आते हैं। तो अभी हम जो करंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें सिर्फ दो ही करंट लायबिलिटीज है, बट ऐसे हो सकता है ना कि किसी क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड आ जाए या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाए। तो इसीलिए आपको करंट लायबिलिटीज में
क्या क्या आइटम्स आते हैं ये लर्न करना है। सिमिलरली करंट असेट्स में क्या क्या आइटम्स आते हैं ये लर्न करना है। इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी क्वेश्चन में ये रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी करंट रेशो के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है कि करंट रेशो इज ऑल्सो नोन एज 2:1 रेशो। ओके, ये जो करंट रेशो है इसे 2:1 रेशो भी कहा जाता है, एज इट इज एक्सपेक्टेड दैट करंट असेट्स शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द करंट लायबिलिटीज। ओके, तो जो करंट असेट्स है वो करंट लायबिलिटीज के डबल होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फर्म फाइनेंशियली गुड है, फाइनेंशियल पोजिशन फर्म की अच्छी है। ओके, अब इसका रीजन क्या है कि देखिए करंट रेशो क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट और शोज द एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन, यानी करंट लायबिलिटीज वो पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये डिपेंड करता है इस करंट रेशो पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको करंट असेट्स में क्या आइटम्स है, करंट लायबिलिटीज में क्या आइटम है और ये फॉर्मूला यूज करके करंट रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी हमें सेकेंड रेशो कैलकुलेट करना है, लिक्विड रेशो। देखिए लिक्विड रेशो बहुत ही सिंपल है, अगेन इसका फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। ठीक है, अभी लिक्विड असेट्स क्या होते हैं, ठीक है, लिक्विड असेट्स के लिए भी सिंपल फॉर्मूला है, लिक्विड असेट्स इक्वल टू करंट असेट्स लेस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। यही फॉर्मूला आपको याद करना है, करंट असेट्स आप पहले कैलकुलेट करोगे उसमें से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, आपको लिक्विड असेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए लिक्विड असेट्स 5,20,000 -250, तो लिक्विड असेट्स आएंगे 2,70,000। ठीक है, अभी 250 माइनस क्यों हुआ, देखिए इस क्वेश्चन में स्टॉक है बट प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए सिर्फ स्टॉक ही माइनस किया है, इसलिए लिक्विड असेट्स आएंगे 2,70,000। देन लिक्विड लायबिलिटीज, अभी लिक्विड लायबिलिटीज के लिए भी सिंपल फॉर्मूला है, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसे देखिए आप लर्न करके ही रखिए तो इसमें आपकी मिस्टेक नहीं। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट की है ऑलरेडी 2,25,000। अभी इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है, देखिए यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं, सिर्फ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल है जिसकी टोटल 225 है जो हमने करंट लायबिलिटीज में दिए थी। तो लिक्विड लायबिलिटीज के लिए करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं, इसलिए लिक्विड लायबिलिटीज की अमाउंट आएगी 2,25,000। ठीक है, तो हमें लिक्विड असेट्स मिल गए 270, लिक्विड लायबिलिटीज 225, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाई 225 और ये रेशियो आ गया 1.2:1। ठीक है, 1.2:1 ये हो गया आपका लिक्विड रेशियो। देखिए एक बार आपके फॉर्मूलेस लर्न हो गए ना तो रेशियो एनालिसिस ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अभी लिक्विड रेशियो के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, दैट इज लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये जो लिक्विड रेशो है इसे क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है, ये भी आपको माइंड में रखना है। अभी लास्ट रेशो दैट इज डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अभी लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है, मेनली डिबेंचर्स प्लस बैंक लोन, ये दो आइटम्स आते हैं। एंड लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे देखिए सिर्फ डिबेंचर है इस क्वेश्चन में, बैंक लोन तो है ही नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म की अमाउंट 6,30,000 हुई। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स को ही हम नेटवर्थ भी कहते हैं या प्रोप्राइटरी फंड्स भी कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड्स कैलकुलेट करने के लिए हमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इस तरह से हमें शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करने हैं। तो इस केस में देखिए कैपिटल 3 लाख रुपीज, रिजर्व्स एंड सरप्लस 60, प्रॉफिट एंड लॉस 45, तो इस केस में शेयर होल्डर्स फंड आएंगे 4,05,000। ठीक है, 4,05,000 हो गया हमारे शेयर होल्डर्स फंड। अभी फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी रेशियो 6:30 डिवाइडेड बाय 4,05,000, यहाँ पे आ गया 1.55:1, ये हो गया आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह से आप रेशियो एनालिसिस इस टॉपिक पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया इसके लिए आपको रेशियोज के फॉर्मूलेज लर्न करने हैं और जो भी अमाउंट है लाइक करंट असेट्स कैसे कैलकुलेट करना है, लिक्विड असेट्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी आपको मेमोराइज करके रखना है। सी फ्रेंड्स, रेशियो एनालिसिस इस टॉपिक पे ये बेसिक क्वेश्चन था, इस पे हम और भी एडवांस क्वेश्चन लेंगे जिसमें
डेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ओके, नेटवर्थ टू असेट रेशियो, ऐसे अलग अलग रेशियो और कैलकुलेट करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने साथ अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.